कोडरमा के उत्क्रमित मध्य विद्यालय में पिछले 4 महीने से मिड डे मील बंद है। विद्यालय समिति की पूर्व सचिव का आरोप है कि तत्कालीन प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह और अध्यक्ष की मिलीभगत से 40 बोरा चावल का गबन किया गया। इतना ही नहीं, नया बैंक खाता खोलकर मध्याह्न भोजन की 1,70,000 रुपए की निकासी कर ली गई। कोडरमा में मिड डे मील की राशि में गड़बड़ी, 1,70,000 की अवैध निकासी का आरोप। कोडरमा के उत्क्रमित मध्य विद्यालय में मिड डे मील की राशि में गड़बड़ी का आरोप लगा है। स्कूल की पूर्व सचिव रेणुका देवी ने आरोप लगाया है कि तत्कालीन प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह और विद्यालय समिति के अध्यक्ष अशोक यादव की मिलीभगत से 40 बोरा चावल का गबन किया गया है। दूसरा कॉपी में चावल दे दिए है और उसके बाद प्रभार से हमको हटा दिए, अमरेंद्र सर को प्रभार बना दिए, तो ये चावल रखवाने लगे, तो ये रखवाए तो 15 बोरा चावल आए, तो फिर प्रभार नहीं लिए, बाकी 10 बोरा सड़ गया, तो सड़ल के लाइए हाँ, तो सड़ल को ले लाए। दूसरा कॉपी में चावल दे देगा, हम कैसे स्कूल में रखने देंगे। रेणुका देवी का आरोप है कि बैंक में स्कूल का अकाउंट था, बावजूद फिर से नया खाता खोला गया और अवैध तरीके से मिड डे मील्स के 1,70,000 रुपए की निकासी कर ली गई। परेशानी होले कि हमारा खाता रहते हुए दूसर खाता चेकबुक और पासबुक चेकबुक इशू हो गया, नागेंद्र इंस्पेक्टर साहब इशू करवाया, उससे पैसा निकासी हो गया 1,70,000। और आपसे कुछ पूछा नहीं गया? कुछ नहीं, हम जानबो नहीं करते। मिड डे मील की राशि की निकासी कर ली गई, लेकिन उत्क्रमित मध्य विद्यालय के बच्चों को मध्याह्न भोजन नहीं मिल रहा है। छात्रों का कहना है कि स्कूल में पिछले 4 महीने से मिड डे मील बंद है। मध्याह्न भोजन बनता है? नहीं, नहीं बनता है? नहीं। कितना दिन से नहीं बन रहा? चार महीने से। मध्याह्न भोजन मिलता है? नहीं। कितना दिन से नहीं मिल रहा? चार महीने से। आज भी नहीं बना? मिड डे मील बंद होने से बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में अभिभावकों ने पूरे मामले की जांच कराने की मांग की है। कोडरमा से न्यूज 11 भारत के लिए राम सिंह की रिपोर्ट। तो 4 महीने से इस स्कूल में बच्चों को मध्याह्न भोजन नहीं मिल रहा है और इसकी जानकारी यहां के प्रिंसिपल तक को नहीं है। जो पैसे आए हैं वो कहां गए ये भी जानकारी नहीं है। ये बच्चे जो इस स्कूल में पढ़ाई करते हैं, मिड डे मील बच्चों को दी जाती है, लेकिन पिछले 4 महीने से बच्चों का मिड डे मील बंद है। राशि गबन की गई है, बच्चों के निवाले पर डाका डाला गया है। और सीधा जुड़ेंगे कोडरमा से सहयोगी राम सिंह हमारे साथ मौजूद है। राम सिंह, जिस तरीके से इस स्कूल में बच्चों से आपने जब पूछा कि उन्हें मिड डे मील मिलता है या नहीं, उनका साफ तौर पर कहना है कि नहीं मिलता है, 4 महीने से बंद पड़ा है, तो आखिर ये लुटेरे कौन है जो बच्चों के निवाले पर डाका डाल रहे हैं? मैं बता देना चाहता हूँ कि सतगांव प्रखंड के जो उत्क्रमित मध्य विद्यालय जो ढाप में पड़ता है, जहां पे वहां के पूर्व प्रधानाचार्य जो है रेणुका देवी ने, वो बीओ नागेंद्र प्रसाद सिंह और विद्यालय के अध्यक्ष अशोक यादव के 1,70,000 रुपए की निकासी दूसरे पासबुक से किया गया है। और इसमें बच्चों लोगों का जो अन्य मिड डे मील का जो चावल भी आता है, 40 बोरा चावल जो भी आया था, वो भी गमन है और वो भी बिना पराचार के हस्ताक्षर का निकासी की गई है बीओ के मिली भगत से। जी, अभी तक कोई कार्रवाई इस पर हुई है? नहीं, प्राचार्य ने भी साफ तौर पर कहा है कि उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं है, जबकि इस मामले को लेकर वरीय पदाधिकारी को गंभीरता से लेने का निर्देश दिया गया है। पर इसमें जो कुछ लोग जो मिली भगत किए हुए हैं, उसमें पर्दाफाश करने के लिए लोगों को कहीं ना कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इसको झापने और टटोलने का काम कर रहे हैं। और सतगावा प्रखंड में काफी स्कूलों में इस तरह का मामला आया हुआ है, सतगावा प्रखंड खास करके मिड डे मील को लेकर के, राशि को लेकर के लोग, और यहाँ से उनका ट्रांसफर भी हो चुका है जो बीओ इनका एयरपोर्ट में जो बीओ थे नागेंद्र जी का। और इसमें मैं बता देना चाहता हूँ कि वहां के जो पूर्व शिक्षक जब इनकी शिकायत
जब किया गया तो वहां भी आवेदन लेने से मना कर दिया गया। शुक्रिया आपका राम सिंह तमाम जानकारियों के लिए, लेकिन जिसकी मिली भगत है उस पर उचित कार्रवाई होने की जरूरत है। मिड डे मील 4 महीने से स्कूल में बंद, और ना सिर्फ ये एक विद्यालय की बात है बल्कि सद्दावा के कई ऐसे विद्यालय हैं जहां पर मिड डे मील बच्चों को नहीं दिया जा रहा है, तो इस पर उचित कार्रवाई करने की जरूरत है। चालीस बोरा चावल का गबन का आरोप भी लगाया गया है। यहाँ के जो प्राचार्य है उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उनके अकाउंट पर तो पैसे नहीं आए, और जिस तरीके से बच्चों के मिड डे मील नहीं मिल रही है, जाहिर तौर पर बच्चों को कहीं ना कहीं प्रोत्साहन मिलता है, वो मिड डे मील से पढ़ने के लिए भी आते हैं, तो वो तमाम चीजें बच्चों को नहीं मिल रही है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।